वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, जन्म साकी, 10 गुरुओं की, सूरज प्रकाश ग्रंथ साकी, गुरु नानक पातशाह की, सज्जन तक को उपदेश। इस प्रकार अपने माता पिता और राय बुलार आदि को मिलकर कुछ दिनों के पश्चात गुरु जी भाई बाले मर्दाने को साथ लेकर तलवंडी से चल पड़े और रावी नदी को पार करके मुल्तान की ओर चल दिए। रास्ते में आपको पता चला कि तुलबा नगर में एक सज्जन नाम का ठग रहता है, जो रात्रियों को रात के समय विश्राम और रोटी पानी की सेवा करने के बहाने अपने विश्राम घर में ठहरा कर लूट खसूट लेता था। धन गुरु नानक, उसका यह बुरा कर्म सुनकर गुरुजी भी बोले मर्दाने के साथ उसको सीधे रास्ते पर लाने के लिए उसी तरफ चल पड़े और उसके नीचों वाले हाव भाव देखकर गुरुजी ने उसको बुरे कामों से हटाने के लिए यह शब्द उच्चरित किया, सुही महला पहला घरु छे, उजल कहा चिलकना, गोटी कलदी मसु, धोतिया झुट न उतरे, जे सचहो धो तिसु, सज्जन से नाली में चल दिया नाली चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन रहा, कोठे मंडप मांडिया पास चित विया, ददी दतिया कमी न आवणी, विचो सख निहा, नानक नाम समाली, तू बाधा छुटी जित। इस शब्द का भाव अर्थ समझकर सज्जन गुरुजी के चरणों पर गिर पड़ा और आगे से लोगों को ठगने का कर्म त्याग कर गुरुजी का शिष्य बन गया। गुरुजी ने यह सत्संग करने के लिए धर्मशाला बनवाई और उसको कहा कि ईमानदारी की कमाई किया करो और सत्संग किया करो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण। ठग सज्जन को सच्चा सज्जन बनाकर गुरुजी पाकपठन शेख बाहा के साथ आत्मज्ञान की चर्चा करके कुरुक्षेत्र पहुंच गए। उस समय वह सूर्य ग्रहण का मेला था, जिसलिए लोग दूर दूर से आए हुए थे। धन गुरु नानक। गुरुजी भी वहाँ सुनहरी सरोवर के दूसरे किनारे डेरा डालकर बैठे गए। एक राजकुमार जो हरिन का शिकार करके आ रहा था, उसने अपना शिकार गुरुजी की भेंट कर दिया कि इसकी खाल से अपना आसन बनवा लेना। परंतु गुरुजी ने अपने सच्चे मिशन के प्रचार के लिए उस हरण को देग में डालकर पकने के लिए रख दिया। उधर जब सूर्य ग्रहण का समय हुआ तो लोग आग पर पकती हुई वस्तु को देखकर इकट्ठे हो गए। नानू पंडित जोन की अगवानी कर रहा था, उसको जब पता चला कि इस देग में मांस पक रहा है तो उसने गुरुजी पर कई प्रकार के प्रश्न किए कि आप जी का साधु धर्म है और इस सूर्य ग्रहण के पवित्र समय आपने यह मांस जैसी बुरी वस्तु को क्यों अग्नि पर रखा हुआ है। गुरुजी ने अपने पक्ष की सिद्ध के लिए यह शब्द उच्चरित किए, श्लोक महला पहला मास हु निमिया मासे अंदरी वासु, जीव पाई मासु मुही
मिलिया हौड़ी चमुतन मासु मासो बहर कड़िया मम्मा मास गिरास। यह सारा शब्द सुन समझ कर पंडित नानू ने गुरुजी को नमस्कार किया और साथियों को कहा कि यह कलयुग में अवतार होकर आए हैं, इन्होंने नमस्कार करनी ही बतनी है। अब इस स्थान पर एक साधारण गुरुद्वारा पहली पातशाही करके प्रसिद्ध है। धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।